10 जुलाई, अभी उड़ीसा में मॉनसून एक्टिव है। पिछले 24 घंटा में साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश, हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ है, भारी वर्षा हुआ है कालाहांडी, बोलांगीर, बौध, मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, सोनपुर, गजपति डिस्ट्रिक्स के अंदर में। हाइस्ट रेनफॉल था बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट का गुरुबिला में 296.4 मिलीमीटर, उसके बाद कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का टीएच रामपुर 189.0 मिलीमीटर, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का करलामंडा 184.0 मिलीमीटर, बोलांगीर में 163.0 मिलीमीटर, हमारा भुवनेश्वर सिटी में 0.6 मिलीमीटर लाइट रेनफॉल हुआ है। अभी हमारा पिछले 24 घंटा का रेनफॉल स्टेट एवरेज जो था 22.5 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 11.3 मिलीमीटर। सीजनल जो स्थिति आया है, 1 जून से आज 18 जुलाई तक हमारा टोटल रेनफॉल स्टेट में हुआ है 330.3 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 394.1 मिलीमीटर, ये 16% कम है पर स्वाभाविक रेंज में है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्वाभाविक से ज़्यादा बारिश हुआ है, देवगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में स्वाभाविक रेंज में है और 13 डिस्ट्रिक्ट्स में डेफिशिएंट कैटेगरी में है। ज़्यादा डेफिशिएंसी है हमारा नवरंगपुर, कालाहांडी, मयूरभंज, इसमें 40% और मोर डेफिशिएंसी है, बट अभी हमारा रेनफॉल सभी जगह में हो रहा है तो डेफिशिएंसी भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और फोरकास्ट जो है अगला 5 दिन का, अभी हमारा अगला 5 दिन ही, सभी दिन ही अभी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है और मानसून भी मोस्ट ऑफ द डेज में एक्टिव रहने का ही चांसेस है। और नेक्स्ट 24 आवर्स में साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, नॉर्थ उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में ही बारिश हल्का से मध्यम होगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल हो सकता है, नवापारा, बोलांगीर, कंधमाल, रायगढ़, गजपति, गंजाम, पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर कल भी हमारा साउथ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह करके रहेगा, मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, नवापारा, नयागढ़, खुर्दा, पूरी, जगत सिंहपुर, कटक, ढेंकनाल, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर 20, 21, 22 ये तीनों दिन ही मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बारिश हल्का से मध्यम रहेगा, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है। अभी हमारा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है कोस्ट उड़ीसा कोस्ट का पास, इसका प्रभाव में अगला 48 आवर्स में लघुचाप व लो प्रेशर भी बन सकता है, इसका प्रभाव में 20, 21, 22 में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी के साथ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा।